अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। माता टेकरी रोपवे पे आपकी टीम आई थी, किस प्रकार का मॉक ड्रिल किया गया और क्या उद्देश्य था इसका? एक्चुअली में हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ पे यदि अचानक जो रोपवे लगाई गई है चामुंडा माता को जाने के लिए, तो यदि कहीं बीच में जो इसमें जो ट्रॉली फंस जाती है तो उसको हम कैसे रेस्पॉन्स करना, कैसे सेफ्टी बाहर निकालना, इसके हमारा ये इसका मकसद था। इसलिए हमें जो मॉक अभ्यास था इसलिए किया गया था। कितने लोग फंसे हुए थे, किसे निकाला गया? हमें जो सूचना मिली थी इसमें बताया गया था कि इसमें दो जो विक्टिम है वो फंसे होने के, दो विक्टिम जो फंस गए हैं, तो यहाँ की जो लोकल एजेंसी थी, स्टेक होल्डर थी, उन्होंने रेस्पॉन्स किया तो उनसे रेस्पॉन्स नहीं हो पाया, तो यहाँ के प्रशासन ने हमारे जो NDRF की टीम है भोपाल की वहाँ से बुलाई गई, तो हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया और हमने जो दोनों जो विक्टिम थे वो सेफली उनको हमने नीचे उतार लिया। अच्छा, जो विक्टिम को उतारा गया है उसके बाद किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे उनको लाया जाता है? ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि हम उसको तो वाइटल साइन चेक करते हैं कि उसमें चोट का कोई इशू नहीं होता, जो अंदर ट्रॉली में रहते हैं वो, लेकिन घबराहट से हार्ट पेशेंट है तो उसमें कई प्रकार की कैजुअल्टी हो सकती है, हार्ट अटैक मर भी हो सकता है। तो हमारे जो भी यहाँ रेस्क्यूअर जाते हैं तो उसको हमें उसका मनोबल हाई करते हैं कि कोई टेंशन मत लो, हम आपको सेफली बाहर निकाल लेंगे। तो हम नीचे उतारते हैं यहाँ पे, तो उनका जो वाइटल साइन चेक करते हैं कि कितना बीपी है, कितना क्या है, तो उसको वाइटल साइन चेक करके फिर हम उसको हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं। कितने लोगों की टीम आई है सर देखो? हमारी वहाँ 18 लोगों की टीम आई है। अच्छा, इसके पहले भी कहीं रोपवे पर इस प्रकार का मॉक? जी, यहाँ पे अक्टूबर महीने में इसी जगह में हमने सेम इसी का डेमो किया था। आपका परिचय? मैं इंस्पेक्टर दयाराम मीना, 11th NDRF RRC भोपाल से।